देखो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में लेकर आए राजस्थान पुलिस जी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार तो कॉन्स्टेबल बनना ही है भाग टू। तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। जैसे क्या होगा, जैसे मैं कोई थर्ड पार्ट लाऊंगा इसका, इस बार तो कॉन्स्टेबल बनना ही है, थर्ड पार्ट लाऊंगा तो आप देख सकते हो अपने वीडियो अपने फ़ोन पर ऑटोमेटिक। तो दोस्तों सब्सक्राइब ना हो, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बता दिया था कि 20 क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखा है तो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन थे 20, तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमने लिंक दे रखा है इस वीडियो का। तो दोस्तों सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 21वां क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दोस्तों पहला है कलात्मक चूतिया, ब एक राजस्व कर, स सिंचाई करने का औजार, द ओढ़नी का एक प्रकार। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। 22वां क्वेश्चन है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा की बील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है अ ढोल, ब भाला, स तीरकमा, द लाठी। इसका भी आंसर पता है आपको तो कमेंट करके बताएं। 23वां क्वेश्चन है भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। तो दोस्तों अ महादेव, ब हनुमान, स दुर्गमा, द ऋषभदेव। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इस बार भी आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन कि किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदाना गोदवाने वर्जित हैं, डामोर, सांसीची, स खतौड़ी, द सहरिया। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति में गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है, भील, ब ग्रासिया, स कथोड़ी, द शहरिया। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों 26वां क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं, ग्रासिया, ब कंजर, स मीणा, द भील। और ये भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल आया था, इस वजह से ये हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट लिस्ट में ये भी क्वेश्चन आता है। फिर 27वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ का गुणी जनखाना था, सिंगार चमड़ी, ब प्रकाश सागर, स फतेह प्रकाश, द संगीत प्रकाश। यदि इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन आ गया है जयपुर का, तो जयपुर के बीकानेर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे। तो यदि आपका इसको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन यह है कि अलादिया खान, ब रमजान खान, स मनरंग भूपत खान, द रजब अली खान। इसका आंसर है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। और 29वां क्वेश्चन है कि गीगला रा बापू से कौन संबंधित थे, मंगल सक्सेना, ब कन्हैया लाल पवार, स गणपत लाल डांगी, द उमेद रंग उमेंगराज। इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं, सोटिया, ब सीठने, स पावणा, और द इंडोने। 21वां क्वेश्चन है कि अलवर का रस खान किसे कहा जाता है, समोखन सिंह, ब राव अली बख्श, स नवाब वाजिद अली शाह, द मोहम्मद शाह रंगीले। यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 32वां क्वेश्चन है कि अरका इंडोला क्या है, रविवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, ब गणकोर के त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत, स वृद्धि की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत, द पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाला गीत। तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह 32वें क्वेश्चन का आंसर है। 23वां, जोगी का मुख्यवाद कौन सा है, रावणत्था, ब मंजीरा, स इकतारा, या द सारंगी। ये अपने संगीत का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद कर लीजिए सही तरह से। तो दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 34वां क्वेश्चन है, कालबेलिय जाति किससे अपना गुरु मानती हैं, गोरखनाथ, ब कानाफनाथ, स गोपीचंद, द मत्स्येंद्र नाथ। यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 35वां क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, शाहपुरा, ब नाथद्वारा, स सलेमाबाद, द नगला। यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 36वां क्वेश्चन है कि नारगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण अपनी परिषदों के लिए किसने करवाया, सवाई राम सिंह, ब सवाई जय सिंह, स सवाई माधव सिंह, और द सवाई प्रताप सिंह।
इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जैसे कि आपको पता होगा कि नार किला तो नारगढ़ का किला जयपुर में है, तो इसका आंसर आपको शायद ही ज़्यादा ही पता होगा ना चाहिए। 37वां क्वेश्चन है कि किस संत को राजस्थान का कवि कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अ ए लालदास, ब ए दादू दयाल, स ए चरणदास, द ए हरिदास निरंजनी। और 38वां त्यौहार है सांझी त्यौहार किससे संबंधित है। अ ए नव विवाहों से, ब कुंवारी कन्याओं से, स किशोर बालिकाओं से और द ए मल्लव से। इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 29वां क्वेश्चन है कि नमन में से कौन सी नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अ ए गोगा नवमी, ब राम नवमी, स आंवला नवमी, द उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 40वां क्वेश्चन है कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। जयपुर में, ब नाथद्वारा में, स उदयपुर में, द जयपुर में। तो दोस्तों इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था वीडियो, तो 41 से 60 क्वेश्चन थर्ड वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब नाउ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी को बताइए ये वीडियो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पुलिस राजस्थान पुलिस के में, जीके के में। तो दोस्तों धन्यवाद फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों अपने भाइयों बहनों को जरूर बताइए ये वीडियो।